हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाएंगे मखाना और गुड़ के लड्डू। यहाँ पे थोड़े मैंने ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ किए हैं। फ्रेंड्स, मखाना जो होते हैं वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मखाना में कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर बहुत होता है। इसके अंदर बहुत सारा मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, जिंक वगैरह होता है। हमेशा सिर्फ मखाना खाने से हम बोर हो जाते हैं, तो इस तरीके से अगर हम ड्राई फ्रूट और मखाना और गुड़ के लड्डू बना के खाएंगे तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। तो ये यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स है, इसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ भी चेक कर लीजिए। मखाना है, सीड्स है, पम्पकिन सीड, मेलन सीड, चिया सीड्स, कोकोनट है डेसिकेटेड, यहाँ पर मैंने थोड़ी चारोली ली है, यहाँ पर फ्लैक्स सीड भी ली है, थोड़ी बादाम है, थोड़े काजू है और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने खारिक डाली है और गुड़ है और घी है। यहाँ पे आप पीसी हुई चीनी या फिर खड़ी शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम मखाने को ड्राई रोस्ट कर लेंगे इस तरीके से। मखाना में कभी कभी सीलन होती है तो ड्राई रोस्ट करने से उसमें एक अच्छा क्रंचीनेस आ जाता है और ये हमें थोड़े से आगे चल के मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने हैं। तो हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। तो अब हमारे मखाने रोस्ट होके मिक्सर ग्राइंडर में जार में चले गए हैं। तो अब हम यहाँ पे बादाम और काजू को रोस्ट कर लेंगे। बादाम और काजू को हमें स्लो आंच के ऊपर रोस्ट करना है, नहीं तो ये ऑयल छोड़ देंगे, इस तरीके से ब्राउन हो जाए। तो आप इसे भी मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लें। इन सबको ठंडा होने देंगे हम थोड़ा सा, तब तक हम दूसरी चीज़ें भून लेंगे। तो यहाँ मैंने चारोली डाल दी है, यहाँ पे थोड़ी फ्लैक्स सीड डाल दी है और जो मैंने सीड्स थी पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, ये सब सीड्स ले लिए। आपके पास जो भी सीड्स अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों ही होनी चाहिए, जो भी अवेलेबल हो आप डालें। और सीड्स जब रोस्ट हो जाए तो इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट डाल दें। अगर आपके पास नारियल का गोला है तो उसको भी आप ग्रेट करके डाल सकते हैं। यहाँ पे नारियल को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए हमने लास्ट में भूना है। हर चीज़ हमने अलग भूनी है क्योंकि सबके भूनने का टाइम अलग होता है। यहाँ पे अब ये हम मखाना और ड्राई फ्रूट्स को पहले ग्राइंड कर देंगे। इसे मैंने कोर्सली ही ग्राइंड किया है। अब इसके अंदर जो हमने सीड्स वगैरह रोस्ट की थी वो डाल के ग्राइंड करेंगे। तो अब ये हम मखाने के साथ ही मिक्स कर देंगे जो सीड्स वगैरह हमने रोस्ट की है, और इसे हम ग्राइंड कर देंगे। इसे हमें एकदम पाउडर नहीं करना है, पल्स मोड के ऊपर दो या तीन बार आप ग्राइंड करें, नहीं तो बादाम का ऑयल छूट जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारा पाउडर तैयार है, बहुत ही अच्छे से ये ग्राइंड हो गया है। अब हम इस पूरे पाउडर को एक बार अच्छे से हिला लेंगे ताकि नीचे कोई बादाम वगैरह रह गई हो तो देख लें। अभी ग्राइंड होने के बाद इसे हम एक बोल के अंदर निकाल देंगे। फ्रेंड्स, ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, 10 से 15 मिनट में बन जाते हैं। ये एक लड्डू रोज़ आप सुबह दूध के साथ बच्चों को या बड़ों को दें तो बहुत ही फ़ायदा करते हैं। या अब ड्राई खारिक होती है, ड्राई डेट्स, वो मैंने ग्राइंड कर दिए। ये मैंने अलग से ग्राइंड किए हैं क्योंकि इसको टाइम लगता है ग्राइंड होने में। तो अब ये भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। इसके लिए मैंने चटनी जार यूज़ किया है, एक चुटकी जितना यहाँ पे नमक डाल दिया है। यहाँ पे मैंने दालचीनी का पाउडर डाला है, इलायची पाउडर और काली मिर्ची का पाउडर डाला है। काली मिर्ची का पाउडर ऑप्शनल है पर काली मिर्ची भी बहुत फ़ायदा करती है, तो ये डालने से एक टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत कम डालनी है हमें, ये मिक्स करके हमें घी डाल देना है। पहले हम आधा घी डालेंगे। अब हम यहाँ पे गुड़ का पाउडर डाल देंगे। अगर आप गुड़ डाल रहे हैं तो उसको आप मेल्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं, और पीसी हुई चीनी है तो वो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, और खड़ी शक्कर रहेगी तो उसे आप फाइन पाउडर बना के फिर ऐड करें। फ्रेंड्स, ये एक इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू है। इन लड्डुओं में टेस्ट के साथ हेल्थ भी है। अब यहाँ पे हम आधा घी बचा था वो भी डाल देंगे। हम घी थोड़ा थोड़ा इसलिए डालते हैं क्योंकि कभी कभी बाइंडिंग में कम या ज़्यादा घी लग सकता है, इसलिए पहले आधा मैंने ऐड किया, बाद में आधा किया। अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बाइंडिंग वाली आ गई है तो हम इसके लड्डू बाइंड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये वाले लड्डू है ये बहुत ही
टेस्टी लगते हैं खाने में, इसमें हेल्थ भी है और टेस्ट भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अब यहाँ हम पेपर कप्स में अपने लड्डू सर्व कर देंगे। अगर आप कहीं जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के यहाँ, तो इस तरीके से ये लड्डू गिफ्टिंग भी कर सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। बाहर की मिठाइयों से अच्छा है कि घर पर हम इसे इस तरीके से बनाकर किसी को हेल्दी गिफ्ट दें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ कुछ हेल्दी न्यू रेसिपीज़ के साथ। आपको मैं एक लड्डू यहाँ तोड़कर बता रही हूँ कितना सॉफ्ट बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।